नमस्कार, मैं KS शर्मा, युवा तक भारत में आपका स्वागत है। चुनाव के परिणाम आप सब लोगों ने देख ही लिया है। अब बारी है चुनाव में जीत और हार के कुछ तथ्यों का विश्लेषण करने की। जैसा कि आप जानते हैं, इस चुनाव समर में भारतीय जनता पार्टी ने 3-1 से कांग्रेस व इंडी गठबंधन पर जीत हासिल कर ली है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के द्वारा दिल्ली में भव्य स्वागत किया गया। और इस भाषण में इस जीत को प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 में होने वाले चुनाव की जीत की गारंटी बताया, जो वास्तव में इंडी गठबंधन के लिए एक चिंता का कारण है। इस जीत के पीछे का कारण पार्टी कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम और प्रधानमंत्री मोदी की जनता के बीच में विश्वसनीयता थी। दूसरा बड़ा कारण जो था, जिसने भारतीय जनता पार्टी के जीत में सहयोग किया, हुआ था एम फैक्टर, जिससे हम दूसरे शब्दों में कहें तो महिला वोटर। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र और राज्य में सत्ता में रहते हुए महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लगभग 2.25 लाख परिवारों को लाभ हुआ, प्रदेश द्वारा चलाई गई कुछ योजनाओं का लाभ जनता को मिला, जैसे लाडली बहना योजना, स्कूटी वितरण योजना में लगभग 2.25 करोड़ परिवारों को लाभ हुआ। दूसरा बड़ा फैक्टर प्रदेश स्तर पर CM चेहरे को सामने न लाना। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से सीधे संवाद किया और मोदी गारंटी की बात कही। प्रधानमंत्री ने अभी तक अपने कार्यकाल में जितने भी वादे किए, लगभग सभी वादों को डिलीवर किया, जिससे जनता में ये मैसेज गया, जनता में ये संदेश जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी अ मैन ऑफ स्टेटमेंट नहीं बल्कि अ मैन ऑफ एक्शन है। इन प्रदेशों के चुनावी नतीजों के को देखते हुए ऐसा संकेत मिलता है कि जनता ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद जैसी बीमारियों को सिरे से नकार दिया है। यह विपक्ष व इंडी गठबंधन के लिए बहुत बड़ा सबक है। इन चुनावी नतीजों से जनता ने एक मैसेज दिया है कि आप सनातन का अपमान करके, भगवान राम पर ओछी टिप्पणी करके व प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करके आप सभाओं में कार्यकर्ताओं से ताली बजवा सकते हैं व सोशल मीडिया पर का वाहवाही लूट सकते हैं, लेकिन जनता का मत नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जनता का सीधा संदेश ये है कि इंडी गठबंधन को सेल्फ हेट पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर नेशनल इंटरेस्ट पर भारतीय जनता पार्टी के NDA गठबंधन का विरोध करना चाहिए, जो राष्ट्रहित, समाज हित व इंडी गठबंधन के पक्ष में है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ।